मैं टिकटॉकर बनूंगा, सोच लिया मैंने। पर क्या तुम्हारे में वो टैलेंट है? कौन सा टैलेंट? जो एक टिकटॉकर में होना चाहिए, जरूरी है मुड़िया। हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या होना चाहिए, क्या करना होगा मुझे? ओए उसकी तुम फिक्र ना करो, और मैं हुणे 2 मिनट ही चेक कर लूंगा। क्या करना है? सबर सबर, चल उठो ना, चल नी कुड़िया तू भी, माहौल बनाओ शाबाश। भाई मुंडे भी टैलेंट जे, कन्फर्म टिकटॉक सुपरस्टार, नजर मार जरा। अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, आज की वीडियो टिकटॉक के बारे में है। आज हम टिकटॉक पर मौजूद लोगों के बनाए गए कंटेंट का मुआयना करेंगे और इन पर अपने कमेंट्स पास करेंगे। तो बिना देर किए आए स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं यार, तुम गलती पर हो, वो कमली कमली इसकी थी, ये जो तुमने किया है ना इसको चवली चवली कहते हैं। और ये जो तुम लंडे का कोट उतार कर फेंक रहे हो और अपना एक ट्राउजर उतार कर फेंक रहे हो, ना ना इससे तुम्हारा काम नहीं चलना, तुम दूसरा ट्राउजर भी उतारो और अपनी तशरीफ सूरज की तरफ करके उल्टा लेटो, शायद जो कीड़े तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहे वो सूरज की गर्मी से बाहर आ जाए और शायद शायद तुम्हें सुकून आ जाए। ऐसे लोग दूसरे इंसान पर साइकोलॉजिकल अटैक करते हैं, अगला बंदा सोचते ही रह जाता है कि लड़की है या लड़का, इसने अपने आप को एक्सेसरीज की दुकान बना रखा है, इतनी चीजें कौन पहनता है यार, और ऊपर से टैटू दिखाने के लिए शर्ट के सारे बटन खोल रखे हैं। और अगर आप टैटू को गौर से देखें तो इसमें छाती के बालों का इंप्रेशन दिया गया है, यानी चेस्ट हेयर्स। ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनमें फेमिनिज्म की चुल मचती है और लेजर ट्रीटमेंट के जरिए अपने जिस्म के तमाम बाल उड़वा बैठते हैं और बाद में ये साबित करते फिरते हैं कि हम मर्द हैं, वी आर मेन, जैसे ये बंदा अपने टैटू के जरिए कर रहा है। अब इसको और मैं क्या कहूँ भला, अरे भाई साहब, ओ बहन जी, अरे क्या जेंडर कंफ्यूजन है यार, इसने तो मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये करके दिखाओ, देखो पानी इसी में रुकेगा, करेंगे करके दिखाओ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये करके दिखा रहे हो। भाई पहले ये फैसला कर लो, तुम चैलेंज करने आए हो या लड़ने आए हो। तुम्हारे बोलने का अंदाज ऐसा मालूम होता है कि जैक किंग ने तुम्हारे से उधार लिया है और अब वो मुकर गया है और तुम उससे पैसे वापस मांग रहे हो और बात ऐसे कर रहे हो जैसे जैक किंग तुम्हारी पुप्पो का लड़का होता है। इन दोनों का एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा है, जिस बंदे ने चैलेंज करना है वो बिल्कुल खामोश है और ये दोनों अपने फेफड़ों में मौजूद पूरी ताकत इस्तेमाल करके चीख रहे हैं। जैक किंग चाहे ये वीडियो देखे ना देखे, थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल और हो गया ना और तुम दोनों में से किसी ना किसी को हार्ट अटैक जरूर हो सकता है। अब नहीं मैंने किसी से भी डरना। तो ना डर भाई, तुझे कौन डरा रहा? अब मैंने एक बार नहीं 10 बार देनी है। अरे वाह, 10 लोगों को एक टाइम में एक बार दूंगा मैं, ठीक है? अब तुम लोग देखना मैं कितनी दफा देता हूँ। आपकी मर्जी, समझ लगी है? किसी को नहीं माफ करना, सबको गालियाँ पड़ेंगी, आराम से रहो मेरे खिलाफ। ये बंदा भी डबल मीनिंग वाली आइटम है। आखिरी वाली बात तू पहले कर ना यार, ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने अंदर दिलचस्पी रखने वाले अफराद की उम्मीदों को पहले बहुत बढ़ाते हैं और बाद में उनपे हूदी पानी फेर देते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो हवेली पर अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, ठाकुर को कहना भी नहीं पड़ता कि कभी आओ ना हवेली पर, और हवेली पर जाने के बाद ये इस इंतजार में होते हैं कि कब ठाकुर इन्हें कबूतर दिखाएगा। और जब वो कबूतर दिखा देता है तो बाद में कहते हैं कि हम तो ऐसे हैं ही नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। दरअसल इनके अंदर ये कीड़ा होता है जो इनको ऐसी हरकतें करने पे मजबूर करता है, ये चाहते हैं कि इनका काम भी हो जाए और नाम भी किसी और का है। ओ आहा, ओ जी, ओ तेरे ठुमकियां थे। एक वो थी जिसने अपने ठुमकों से यूपी बिहार लूट लिया था
और एक तुम हो, और मेरे हिसाब से तुमने अपने ठुमकों से अपना ही नुकसान कर लेना। और तुम अपना नहीं तो अपने अंदर पलने वाली नन्नी जानों का ही ख्याल कर लो। वैसे क्या हमला औरत जैसा पेट है तुम्हारा, रिस्ट बैंड ऐसे पहने हुए जैसे वीडियो शूट करने के बाद फ्रेंच ओपन इसी ने खेले जाना। और जंप ध्यान से करो जरा, तुम्हारा पांव BMW के बोनट में घुस गया, देखना कहीं कैंची चप्पल अंदर ना चली जाए। और हाँ, जिस कपड़े सुखाने वाली तार के नीचे तुमने अपनी BMW खड़ी की थी ना, उस तार पर लटका कपड़ा भी नजर आ रहा है। वैसे मेरे भाई आपकी एडिटिंग को सलाम, इनकी एडिटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बाबर भाई? अब इस वीडियो में लड़की जिस शिद्दत से डांस कर रही है वो भी कोई स्वाब का काम नहीं है, है तो बिल्कुल गलत, लेकिन हम उसको इग्नोर करेंगे और नजर डालेंगे जरा इस भाई पर। भाई की खुशी का तो अंदाजा ही नहीं, कैसे मुंह फट रहा है, दांत बाहर निकले पड़े हैं, जैसे कोई सदियों से मांगी हुई मुराद पूरी हुई हो। मुख्तलिफ एंगल से लड़की को देखने की कोशिश की जा रही है, क्या एक एंगल से वो सही नजर नहीं आती? ऐसे तो कोई इंसान तब करता है जब वो सस्ते नशे का आदी हो गया हो, कमलेश की तरह। कमलेश अरे वाह, क्या बात है, क्या स्टाइल है। अब यहाँ बात ये नहीं कि ये स्टाइल मार रहा है, इससे बड़ी बात ये है कि ये बाहर आ गया, वरना जितनी इस बच्चे की सेहत है इसकी वालदा इसको ऐसे बाहर ही नहीं निकलने देती होगी कि कहीं चील या बिल्ली उठा कर ना ले जाए। एक तो इस वबा ने हमारा जीना हराम कर रखा है, दूसरा जब से अर्तुग्रल पाकिस्तान में आया है इस बच्चे समेत तमाम आवाम का दिमाग खराब हो गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसी लगी ये बताने के लिए कमेंट्स लाजमी कीजिए, और जाते जाते लाइक के बटन को जोर से दबाइए, कंफर्म वो नीला हो जाएगा, चेक कीजिए जरा। और हाँ, सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।